ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बाघ का आतंक फिर शुरू हो गया है। जोशीमठ नगर के पैंका गांव में सोमवार अचानक एक बाघ ने गांव से बाजार जा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से मौके पर ही उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के एक बुजुर्ग गंगा चौधरी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए घर से ही निकले थे कि घर से लगभग 2 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर ही बाघ ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले भी इस क्षेत्र में बाघ 2 लोगों को घायल कर चुका है, जबकि 2 लोगों की बाघ के हमले में मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। बाजार की ओर से आ रहे अन्य ग्रामीणों ने जब पैदल रास्ते पर खून गिरा हुआ देखा तो शक होने पर जंगल के आसपास व्यक्ति की खोजबीन की। घटना में बाघ ने व्यक्ति पर हमला करने के बाद उसे झाड़ियों में घसीटकर फेंक दिया। खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग के उच्च अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। घटनास्थल पर ग्रामीणों ने वन विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में निरंतर बाघ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। वहीं उच्च अधिकारियों के ना पहुँचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने शव को उठाने से भी मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर वन विभाग के अधिकारी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। वन विभाग के दरोगा का कहना है कि मृतक व्यक्ति का पंचनामा किया जाएगा और उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। बाघ को मारने के लिए विभाग के उच्च अधिकारी ही आदेश देंगे, उसके बाद ही बाघ को मारे जाने संबंधी आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध जारी है, जिसके तहत युवा कांग्रेस ने देहरादून के एसले हॉल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस देहरादून के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, यही वजह है कि किसान बड़ी संख्या में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए इस आंदोलन को नया रूप दिया जा रहा है, जिसकी युवा कांग्रेस निंदा करती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्क का सौंदर्यकरण जिस पहाड़ी शैली में किया जा रहा है उसे देखने से पर्यटक खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन का ख्याल रखकर पार्क को बनाया जा रहा है, जबकि बड़े बुजुर्गों के लिए शाम बेहतर बीते इसके लिए सांस्कृतिक मनोरंजन हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की हर शाम शानदार गुजरेगी। उन्होंने जिलाधिकारी की पहल को जमकर सराहा, जिसका निर्माण जिला योजना से किया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि अब जाकर पौड़ी को पर्यटन नगरी की असली पहचान वापसी दिलाई जा रही है। गढ़वाल सांसद ने कहा कि यहां पर कंडोलिया पार्क के साथ ही लौली घाटी में बन रही झील का पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करेगी। वहीं सीता माता ने जिस क्षेत्र में भू समाधि ली, इस पूरे क्षेत्र को सीता सर्किट के तौर पर विकसित करने की भी कार्य योजना सरकार ने बनाई है, जिसे धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में सीता माता मंदिर को भव्य रूप सरकार देगी, जिसके बाद पौड़ी की खोई चकाचौंध एक बार फिर वापस लौटेगी और पर्यटक पौड़ी का रुख करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का निर्माण 2024 तक पूरा करने और जल शक्ति मंत्रालय से हर घर को पेयजल से निजात दिलाने और उज्ज्वला योजना से गरीब तबके के लोगों को गैस सिलेंडर की सौगात देकर चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने का जिक्र किया गया। कल एक फंक्शन में आया था, आज मेरा क्योंकि देवोत्थान और दीपावली छुट्टी है, जिस तरह आज कहते हैं सारे देवता जागते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो उस रूप में भी आज मेरा मंदिर जाना हुआ, कालेश्वर हुआ आपका, कलोलिया देवता हुआ, और उसके बाद जो अपना इको पार्क जो अपना बन रहा है कनोलिया में, ऐतिहासिक पार्क है, और कल यहाँ पर्यटक आएगा जगह जगह से, वो रात तो होटल में अगर दिन भर क्या करेगा, तो उसके लिए जिस प्रकार का यहाँ पे बच्चों के लिए एक बढ़िया पार्क, झूले हैं, आपका स्केटिंग के लिए, मैं सोचता हूँ कि एक छोटा स्थान पर कहीं जगह ये होगा नहीं,
पहला होगा स्टेट के अंदर, नहीं कई स्टेट में भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया कैंटीन, सुविधाजनक सामने दिख रही है, बनी हुई है। और एमपी थिएटर जो वहाँ पे बन रहा है, तो 250 लोगों का बैठने का मैंने वो देखा है, अलग अलग देखा का जो चेयर जिस तरह उन्होंने एक यहाँ की निकासी पूरी उत्तराखंड की उसमें पूरा झलकती है संस्कृति, ऐसा वो दिखता है बना है। तो उसका भी मैंने आधा घंटा पूरी तरह से एक एक चीज करके निरीक्षण भी किया है, देखा भी है, अपने में बहुत भव्य दिव्य बन रहा है। उधर लोली झील होगी, इधर आपका सामने कंडोलिया देवता होंगे, किंकालेश्वर देवता है, उधर खिरसू की तरफ जाएंगे, आगे सीतामढ़ी, इस प्रकार का मंदिर देवप्रयाग से, ऐसा इसका एक सर्किट के रूप में बने, ऐसे मेरे मन में भी है और ये आगे हो। और मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा प्लेस। आज सुबह लगभग 9:41 पर रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने पर आनन फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में आ गए। वहीं आईआईटी रुड़की के भूकंप अभियंत्रिकी विभाग के वैज्ञानिक भी भूकंप की तीव्रता और उसका सेंटर केंद्र हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी डोईवाला में बता रहे हैं। आईआईटी रुड़की के भूकंप अभियांत्रिक विभाग के वैज्ञानिक मुकुट लाल शर्मा ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 3.9 बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि भूकंप की गति इतनी तेज नहीं थी जिससे किसी तरह के जानमाल की कोई घटना हुई हो। वही आईआईटी रुड़की में अर्थ अर्ली सिस्टम लगे हुए हैं जिसमें कि भूकंप के आने से कुछ समय पहले पता लग सकता है, मगर इस भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि इसके आने से पहले ही इसकी कोई जानकारी विभाग को मिल पाती। अर्थ अर्ली सिस्टम कम से कम 6 पॉइंट की गति वाले भूकंप को रडार में ले पाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे भूकंप के आने से पहले अलर्ट नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे भूकंप से किसी तरह का जान माल की हानि नहीं होती। अगर ऐसे भूकंप की सूचना पहले दी जाएगी तो लोगों में भय का माहौल पैदा हो सकता है। हालांकि बड़े भूकंप को लेकर उनके विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। देखिए, आज सुबह 9:41 और 51 सेकंड पर एक अर्थक्वेक आया है जिसको हमने जो हमारा टिहरी गढ़वाल में एक नेटवर्क लगाया हुआ है उसमें और यहाँ रुड़की साइस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया है। इसके मुताबिक ये अर्थक्वेक हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रिकॉर्डेड आया हुआ है और इसकी तीव्रता करीब 4 मैग्नीट्यूड है। इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, 40 किलोमीटर है। इस डेप्थ की वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई जानमाल की हानि हुई होगी या कोई, क्योंकि रिपोर्ट भी नहीं हुई है, लेकिन ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में महसूस किया गया है जिसमें देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, सहारनपुर, लक्सर जो लोकल एरिया है वहाँ इसको महसूस किया गया है, लेकिन जानमाल की हानि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हुई होगी। केंद्र सर भूकंप का कहाँ रहा है? भूकंप का केंद्र हरिद्वार से 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में डोईवाला से थोड़ा सा नीचे है। कि रुड़की ने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो गढ़वाल और कुमायूं हिमालय में लगाया हुआ है, इस तरीके के अर्थक्वेक उसमें हम वार्निंग इशू नहीं करते हैं क्योंकि इससे जानमाल की हानि नहीं होती है। और जिन अर्थक्वेक से जानमाल की हानि नहीं होती है, ऐसे अर्थक्वेक्स की वार्निंग इशू करने से हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है और क्योस पैदा हो सकता है। जो अर्थक्वेक्स डैमेज कर सकते हैं जैसे मैग्नीट्यूड 6 से ऊपर, उनकी वार्निंग हम उस वार्निंग सिस्टम से इशू करेंगे और वो कुछ सेकेंड्स के लिए होगी। उन सेकेंड्स में आप अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, जान माल की हानि को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे अर्थक्वेक्स इनको हम वार्निंग में इशू नहीं करते। संचार एवं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भारत सरकार संजय धोत्रे इन दिनों उत्तराखंड प्रवास पर हैं। विभाग से संबंधित कई विभागों की समीक्षा बैठकों में भी शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड डाक परिमंडल के समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड परिमंडल में 5-स्टार विलेज की योजना शुरू की जा रही है जिसमें सारे जिलों से 50 ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा जिसमें भारत सरकार द्वारा डाक विभाग से संचालित सभी योजनाओं को उपलब्ध कराया जाए। पहले 100 खाते खोलने पर गांव को 1 स्टार और उसके बाद 500 खातों तक
फाइव स्टार सुविधाएं विभाग की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में डाक विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसके डाक सेवा की हर घर तक पहुंच है। ऐसे में पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया जाए, यह लक्ष्य विभाग अपना रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल में डाक विभाग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर संभव सहायता आमजन तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता निभाई। उत्तराखंड के विकास में विभाग अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका उदाहरण आज गंगाजल के माध्यम से देखने को मिलता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड डाक विभाग ने अपनी एक योजना के तहत गंगोत्री के गंगाजल को पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में अब उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद, काष्ठ कला, मेडिसिनल प्लांट और जड़ी बूटियों के क्षेत्र में भी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज उत्तराखंड परिमंडल के हमारे डाक विभाग की फाइव स्टार विलेज की एक योजना है, जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे जिलों में से 50 गांव जो है वहाँ पे योजना शुरू होने वाली है। इसमें हर एक इसमें जब हमारा जैसे कि हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल सेविंग है, बाद में सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरह की अलग अलग जो हमारी योजनाएं हैं उसमें जो गांव हमने चयनित किए उसमें हर योजना में 100-100 खाते जब खुल जाएंगे तो जैसा एक योजना खुल गए वन स्टार होगा, दो योजना खुल गए टू स्टार होगा, थ्री स्टार, फोर स्टार, ऐसा फाइव स्टार खुले जो बन जाएगा, जिससे कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें हमारी जो बालिका है उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो योजना है, बाद में इंश्योरेंस की स्कीम है, सेविंग की स्कीम है, तो इस तरह की जो अलग अलग जो हमारी स्कीम है तो उससे एक आर्थिक सक्षमता या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट की जो स्कीम रहती चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो उसका लाभ सभी तक पहुँचे, तो इसमें आर्थिक सक्षमता और जो हमारा उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाए, बाद में उनकी पढ़ाई बाकी व्यवस्था उसके हिसाब से हमने सब कुछ किया हुआ है। और पोस्टल विभाग जो है उसका एक तो लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है, पोस्टल विभाग है हमारे देश की पहचान है, सारे गांव में हमारा डाक सेवक जो है वो जाता है, डाकिया के ऊपर कई फिल्में बनी, कई कविताएं बनी, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पोस्ट डिपार्टमेंट को या डाकिया को जानता नहीं, और ख़ास करके हमारा जो उत्तराखंड क्षेत्र है उसके विकास के लिए हमारे डिपार्टमेंट की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी बनती, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट होगा, यहाँ के मेडिसिनल प्लांट होंगे, और गंगा जल जो है उसको हमने सारे देश में, सारे हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने सारे देश में किसी के घर पे वो गंगा जल उसके घर पे पहुँच सकते, तो ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं जो जिसके कारण लोगों का जीवन बदल जाएगा, उनके जीवन का विकास होगा, तो इसके लिए हमने ये आज स्कीम यहाँ पे अनाउंस की। और ये जो परिमंडल है यहाँ पे हमारे CPM जी है, हमारे डायरेक्टर है और उनके सारे सहयोगी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी बहुत अच्छा काम ये लोग करेंगे, और आप लोग भी आज कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये है JMD News & Network और आप देख रहे हैं ITV हिंदुस्तान।